वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। सब्सक्राइब अवर प्रीमियम सर्विस शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक कॉन्टेक्ट अस pankaj.soni.3881@gmail.com व्हाट्सएप 9755327124। हमारी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म और टेक्निकल पिक को सब्सक्राइब करिए। ये सभी सर्विस प्रीमियम हैं और पेड हैं। आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपसे बात करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट की सहायता से डिपॉजिट, लोन, डिजिटल बैंकिंग, अदर सर्विसेज, चैट विद एजेंट, ईएमआई कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड, डोर स्टेप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं। यू मोबाइल ऐप, जिसको आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट। ये बैंक जो है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप, इसमें सेविंग अकाउंट, ऑनलाइन डेबिट कार्ड एप्लीकेशन, इंस्टेंट प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ लोन्स, ऑनलाइन ओटीएस एप्लीकेशन, ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट, ई नॉमिनेशन ऑनलाइन, लिंक योर आधार नंबर, यूनियन मुद्रा PMMY, इन्वेस्ट इन यूनियन म्यूचुअल फंड, प्रधानमंत्री बीमा योजना जैसे काम आप कर सकते हैं। इसकी ब्रांच को आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं। ये कार्ड्स देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रिवार्ड्स एंड ऑफर, अदर कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। इनके कि क्या रेट आपको मिलेगा अगर आप इस बैंक में सेविंग या फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ आपको 7 to 14 days के लिए 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं, और मोर देन 5 years to 10 years के लिए आपको 5.50% के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स हैं अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, यूनियन डायल, लोन, रिटेल, MSME, एग्री बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड डीमैट्स की सुविधा देते हैं ये बैंक। गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं इनके पास, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, कॉर्पोरेट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लोन सिंडिकेशन एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग का काम करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। रिमिटेंस, ट्रेजरी, NRI सर्विस भी देते हैं और स्कीम प्रोडक्ट सर्विस भी देते हैं। इनके माध्यम से आप कई चीज़ें ऑनलाइन कर पाएंगे, जैसे KYC, ग्रीवियंस रिडिसल, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी, मॉडल पॉलिसी ऑन बैंक डिपॉजिट्स, चेक कलेक्शन पॉलिसी, कस्टमर केयर पर आप एक संपर्क कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपको ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है। अब हम आपको बताएंगे कि इस बैंक के स्टॉक्स में आप कैसे निवेश कर सकते हैं और कितनी कमाई हो सकती है अगर आप यूनियन बैंक के शेयर्स को खरीदेंगे। ये सभी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। शुरू से यूनियन बैंक के खड़े कर सकते हैं। 43% की गिरावट देखी गई है। वन वीक में 3.86 की गिरावट, वन मंथ में 2.35% की गिरावट हो चुकी है, वन ईयर में 39.30% की तेजी है। थ्री ईयर्स में 48.25% गिर चुका है, फाइव ईयर्स में 67.75% की इसमें गिरावट हो चुकी है। टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बैंक क्या अच्छी खरीदारी देखना, इसमें कुछ इंतजार करना चाहिए जिससे कि आपको अभी अच्छे रिटर्न मिल सके।
ये देखिए 200 एमए की लाइन है, ये है 50 एमए की लाइन। स्टॉक जो है 50 एमए के सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है और काफ़ी समय से ये 50 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है, तो अभी इसमें ट्रेड करना ठीक नहीं होगा। एक बार ये 50 एमए के रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों तक, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक का आरएसआई देखेंगे तो ये 43 है, इसका मतलब ये इसमें अभी डाउन ट्रेंड चालू है, तो इसमें और फर्दर गिरावट हो सकती है। तो आप इसके 45 रुपीज़ से आप इसको ऊपर बाई करिए, अगर ये इसके इसमें कोई ब्रेकआउट आता है तो आप उसमें बाई कर सकते हैं, तो 45 के ऊपर बाई करना ठीक होगा। चलिए और जानकारी हम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देते हैं। 52 वीक लो है 54.80 का, 38% स्टॉक आरटीयू के एनालिस्ट के द्वारा, और 8 एनालिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, 38% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 50 ओवरऑल रेटिंग इसकी बाई निकल कर आती है। अब इसके आपको फंडामेंटल्स बताते हैं। इसकी मार्केट कैप है 30,722 करोड़ की, पी रेशियो है 10.06 का, जो कि एक सस्ता वैल्यूएशन बताता है कि स्टॉक सस्ता है। पी बी 0.44 है, इसका मतलब एक रुपए की चीज़ आपको 44 पैसे मिल रही है, बहुत ही कम वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यू वाला स्टॉक देखी जा सकती है अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो। इंडस्ट्री पी है 12.66 का, और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है अपने इंडस्ट्री पी से कम पर ट्रेड हो रहा है, पी पर ट्रेड हो रहा है। आरओई इसकी कम है 5.80, ईपीएस है 7.05 का, और डिविडेंड यील्ड नहीं है इसकी, और बुक वैल्यू है 102.06 की इनकी बुक वैल्यू है। अब हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे, इसके फाइनेंशियल के बारे में। क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो फ्लैट बना हुआ है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो इनकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है इनके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और जून 21 से कंपेयर करें तो सितंबर 21 में एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है प्रॉफिट में। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इनके लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप आया है 2021 में, और हम अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा है। 2021 में प्रॉफिट जो है पॉजिटिव आया है, पिछले सभी सालों में जो है कई सालों से इनके प्रॉफिट नेगेटिव बने हुए थे, लेकिन 2021 में इनको एक पॉजिटिव प्रॉफिट मिला है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है 2021 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, फाउंड हुई थी कंपनी 1999, भारत की आज़ादी से पहले ये बैंक 100 साल से ज़्यादा पुरानी बैंक है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राज किरण राय जी हैं, एस सिंबल यूनियन बैंक के नाम से है। प्रमोटर्स जो है 83.49% की होल्डिंग लेकर रखे हैं। रिटेल एंड अदर्स के पास 8.32% की होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.82% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड जिन्होंने इस पर होल्डिंग लेकर रखी है वो है कॉन्टैक्स प्लान 0.98% और HDFC हाइब्रिड डेट फंड 0.118% की होल्डिंग इस बैंक में है। और अब हम आपको इस टारगेट्स बता देते हैं कि क्या टारगेट होंगे अगर आप इस स्टॉक को खरीदेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस बैंक की जो स्ट्रेंथ है 12 है, वीकनेस 6, अपॉर्चुनिटी 5 है, थ्रेट 2 है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर राडार है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, एबो इंडस्ट्री मीडियन है, ये 1 एक्टिव बाइज है, और लो इन इंडस्ट्री है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है लो इन इंडस्ट्री है, प्राइस ऑन बुक वैल्यू एक रुपए के नीचे चला गया है। बिलो इंडस्ट्री मीडियन है ये, और बिलो इंडस्ट्री मीडियन है पी रेशियो, और मार्केट कैप बिलो इंडस्ट्री मीडियन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ब्रोकर की क्या राय है। LKP सिक्योरिटीज की तरफ से इसके टारगेट दिए गए हैं 60 रुपीज के, और LTP और प्राइस एट रेको रिकमेंडेशन से 0.4 अपसाइड इसमें बाकी है, 37.61% की अपसाइड बाकी है,
और इसमें रेटिंग निकल कर बाई आती है, तो इस स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हो। तो अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक। आप हमें मेल करिए pankaj.soni.3881@gmail.com पर, आप हमें व्हाट्सएप करिए 9755327124 पर, और हमारी पेड सर्विस या प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स मिलती रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करिए। अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए और फीडबैक देने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही एक और वीडियो में।